सो हे गाइस, मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2021 में 5G फ़ोन खरीदने के प्लान में हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 20,000 के रेंज तक आप टॉप 5G फ़ोन आपके कौन कौन से हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना के बिल्कुल A to Z तैयार करके आप लोगों के लिए बताया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, जो पहला आपका जो फ़ोन मैंने पिक किया है वो है आपका Realme 8 5G, जो कि आपका, अगर हम इसके सबसे पहले अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपका IPS LCD डिस्प्ले होगा जिसका 90 हर्ट्स पैनल होगा। इसके साथ ही अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसकी स्क्रीन साइज़ होगी 6.5 इंच, और वहीं पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 यहाँ पे आपको मिलने वाली है। रही बात चिपसेट की, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक MT6833 डायमंडसिटी 700 5G का आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर हम CPU की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम मेन कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा होगा, जो कि आपका 48 मेगापिक्सल के साथ विद HDR एंड पनोरामा जो मोड होगा वो आपका सपोर्टेबल होगा। वहीं पर अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे की, तो वहाँ पर आपको, जिसको फ्रंट कैमरा भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल विद HDR मोड के साथ आपका यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि स्टोरेज की कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको कई सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आपका 4/64, 4/128, 6/128, 8/128 में वेरिएंट है। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने प्राइस यहाँ पे पिक किया हुआ है, ये प्राइस आपका कुछ वेरिएंट हो सकता है, प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4/128 की कीमत जो है 14,999 है, वहीं पे 8/128 की बात करें तो आपका 16,999 हो गए। ये तो हो गई आपकी पहली फ़ोन। अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ोन की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दूसरा फ़ोन मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है, दूसरा फ़ोन है आपका ओप्पो का A74 5G। यहाँ पे अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये भी आपका IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज पैनल के साथ रहेगा। इसके साथ ही अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 के साथ साथ कलर OS 11.1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रही बात यहाँ पे हम चिपसेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम SM4350 स्नैपड्रैगन 480 5G आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें CPU की, तो वहाँ पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। वहीं बात करें हम आपको यहाँ पे मेन कैमरे की, तो वहाँ पे आपको क्वाड कैमरा मिलने वाला है, मतलब आपको 4 कैमरे होंगे, जो कि आपका 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ विद पनोरामा मोड आपको बिल्ट इन होगा। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की या फिर सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, इसके साथ ही पनोरामा मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं पे हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट अवेलेबल है 6/128 में, जिसकी कीमत जो है स्टार्ट होगी आपको 13,999 रुपये से। ये आपका कुछ वेरिएंट हो सकता है, प्लस माइनस में। अब तीसरा जो फ़ोन मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है, वो फ़ोन है आपका रियलमी नार्जो 30 Pro 5G। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो यहां पे आपको IPS LCD स्क्रीन मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का यहां पे आपको डिस्प्ले देखने, यहां पे आपको जो हर्ट्ज मिलेगा 120 हर्ट्ज का मिलेगा। वहीं पे डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.5 इंचेस की आपके डिस्प्ले मिल जाएगी। और आपकी OS की बात करें तो यहां पे Android 10 Realme UI के साथ आपको यहां पे अवेलेबल होगा। वहीं पे अगर हम बात करें चिपसेट, मतलब आपका प्रोसेसर की, तो वहां पे आपको मीडियाटेक MT6858 डायमंडसिटी 800U 5G आपको यहां पे प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें CPU की, तो यहां पे भी आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है। और वही बात अगर हम बात करें मेन कैमरे की, तो यहां पे आपको ट्रिपल कैमरे के साथ 48 मेगापिक्सल विद HDR एंड पनोरामा मोड के साथ मिलेगा। वहीं पे अगर हम सेल्फी या फिर फ्रंट कैमरे की बात करें, तो ये आपको आ रहा है 16 मेगापिक्सल के साथ, और आपका HDR और पनोरामा मोड बिल्ट इन होगा। वहीं पे अगर हम बात करें बैटरी की, तो ये भी आपको बैटरी, यहां पे भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको 15 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ होगा।
वहीं पे अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 4/64 इसके साथ ही 6/128 यहाँ पे अवेलेबल होंगी स्पेसिफिकेशन। रही बात हम प्राइस की बात करें तो आपको 16,999 से लेके आपको 19,999 तक का आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। प्राइस में थोड़ा सा वेरिएंट होगा, मैंने स्टार्ट ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको चौथा फोन यहाँ पे निकल के आता है हमारा, हमने जो पिक किया है मोटो जी 5G। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटो जी 5G। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, यहाँ पे जितने भी फ़ोन मैंने आपको बताए हैं 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ, मतलब पिक्सल्स के साथ अवेलेबल है। यहीं पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें, टाइप की बात करें, तो यहाँ पे आपको IPS LCD स्क्रीन होगी जो कि HDR10 के साथ आपको सपोर्टेबल होगा। वहीं पे अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन इसका एज़ कम्पेयर टू जो टॉप में 3 मैंने बताया उनसे ये स्क्रीन इसका थोड़ा बड़ा होगा, 6.7 इंच की इसकी स्क्रीन होगी। जहीं पे एंड्रॉयड की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो चिपसेट मिलेगा, अब आपको यहाँ पे क्वालकॉम SM7225 स्नैपड्रैगन 750 5G, यहाँ का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा अपग्रेडेबल है एज़ कम्पेयर टू बोथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भी आपको CPU में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें मेन कैमरे की तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा जो कि HDR और पनोरामा मोड सपोर्टेबल होगा। एंड सेल्फी एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल के साथ होगा जो कि HDR मोड सपोर्टेबल होगा। यहीं पे बात करें इसकी बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 20 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ होगा। और यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 4/64 और आपको 6/128 में अवेलेबल होगा। रही बात इसके प्राइसिंग की तो प्राइस आपको वेरिएंट कर सकता है 16,990 रुपये, यहाँ पे आपको 20,990 रुपये ये प्राइस जो है मैंने कहीं से पिक किया हुआ है। तो प्राइस में वेरिएंट होगा तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं। अब लास्ट में फिफ्थ फोन आ जाता है जो कि अभी टॉप पे चल रहा है आपका Realme X7। यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1080x2400 पिक्सल के साथ आएगा। यहाँ पे जो आपका टाइप है, अगर डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पे। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें एज कम्पेयर टू फोर्थ, जो भी आपको मैंने टॉप में फोर्थ बताए हैं उनका जो डिस्प्ले था वो LCD IPS था, वहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपको एमोलेड मिलेगा। तो एमोलेड में एज कम्पेयर टू IPS LCD थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसके कलर कंट्रास्ट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू IPS। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीन साइज देख सकते हैं, स्क्रीन साइज थोड़ा सा कम है, 6.4 इंचेस की है। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G आपका प्रोसेसर के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। वहीं पे हम बात करें CPU की तो यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम बात करें मेन कैमरे की तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का, जो कि 4 कैमरे के साथ होगा, जो कि आपको HDR और पनोरामा मोड यहाँ पे बिल्ट इन होगा। अब बात आती है सेल्फी या फिर फ्रंट कैमरे की, जो इसकी बात सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा विद HDR मोड। और इसकी बैटरी बैकअप थोड़ा सा ड्रॉबैक है, यहाँ पे आपको 4300 मतलब 4300 mAh की बैटरी मिलेगी। हाँ, एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग 65 वॉट तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 6GB 128GB वेरिएंट के साथ है, 8GB और 128GB वेरिएंट के साथ है, जो इसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट 19,999 या फिर इससे कम भी हो सकती है। ये जो मैंने प्राइस लिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये प्राइस आपका लिया हुआ है, ये प्राइस जो है एज पर द मार्केट आपके प्लस माइनस होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ने आपको टॉप 5 5G फ़ोन बताए हैं जिनको आप बहुत ही आसानी वे में 20,000 के अंडर या फिर 20,000 तक के फ़ोन को आप खरीद सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त हमसाद अली को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।